नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक बड़ी अपडेट डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म संबंधित निकल करके आ रही है। दोस्तों एक चैनल एमपीजी 2 स्लॉट में और एक चैनल एमपीजी 4 स्लॉट में ऐड हुए हैं, तो इन दोनों चैनल्स के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों दोनों ही चैनल्स दूरदर्शन के हैं, दूरदर्शन से हमारा मतलब प्रसार भारती के हैं। और ये चैनल्स दोस्तों हैं, पहला चैनल जो है वो है डीडी न्यूज़ एचडी। जी हाँ दोस्तों, डीडी न्यूज़ एचडी पहले भी डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर आप देख पा रहे थे। चैनल कभी आता है दोस्तों, कभी फिर वो बंद हो जाता है। इस समय की अपडेट यही है दोस्तों कि डीडी न्यूज़ एचडी को एमपीजी 4 स्लॉट में ऐड किया गया है। और बात करें दूसरे चैनल की दोस्तों, तो डीडी हिमाचल प्रदेश ये चैनल दोस्तों ऐड किया गया है एमपीजी 2 स्लॉट में। दोस्तों ये दो चैनल्स ऐड किए गए हैं, एक न्यूज़ कैटेगरी का चैनल है और जो डीडी हिमाचल प्रदेश है दोस्तों वो रीजनल चैनल है। दोस्तों कह सकते हैं कि डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर जो भी स्लॉट्स उपलब्ध थे उसी में चैनल्स की शिफ्टिंग की गई है। और हाल ही में दोस्तों जो भी ई ऑक्शन भी संपन्न हुए, आपने देखा होगा कि ई ऑक्शन तो हुए लेकिन कौन से चैनल्स ने स्लॉट जीता ये बताया ही नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि चैनल्स ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया होगा या फिर वो चैनल्स ही नहीं लॉन्च हो पाए जो प्रसार भारती चाह रहा था कि डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो अपडेट हो गई जो दो चैनल्स लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में ये कह सकते हैं हम लोग कि डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अब जो स्लॉट्स थे वो स्लॉट्स तो भरे हैं लेकिन वो चैनल्स शिफ्टिंग की वजह से ही भरे हैं। दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रसार भारती अगला ई ऑक्शन कब कराता है और क्या उस ई ऑक्शन में नए चैनल्स लॉन्च होते हैं या पहले की तरह ही ई ऑक्शन रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।